हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्लफ़ी पैनकेक बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए 2 eggs और मिल्क पाउडर चाहिए 1.5 टेबलस्पून और 1 cup जितना प्लेन फ्लावर मैदा चाहिए। शुगर चाहिए 2 or 3 टेबलस्पून, मिल्क चाहिए 1/2 cup और ऑयल चाहिए जितनी ज़रूरत पड़ती जाए। आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ग्राइंडर में आप 2 अंडे डालें, 1/2 cup इसमें आप ड्राई मिल्क डालें, 1.5 टेबलस्पून, 1.5 खाने का चम्मच और 1 cup मैदा फ्लावर आप इसमें डाल देना। इसमें मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरी शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 2.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें शुगर का डाला है और 1/2 cup मिल्क और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला और इसको ग्राइंड कर ले। इस तरह के इसका टेक्सचर आना चाहिए, थोड़ा सा थिक, ना ज़्यादा पतला हो ना हम बहुत ज़्यादा थिक हो। इस तरह के पैन के ऊपर आराम से फैल जाए जब आप पैनकेक बनाने लगे, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। और पैन में आप थोड़ा सा ऑयल लाइक 1 टेबलस्पून इसको हर तरह सेपरेट कर देना अच्छी तरह से। और जब ये गर्म हो जाए टेम्परेचर इसका, फिर हल्का आप इसको मीडियम फ्लेम पर रख के ये जो मिक्सचर है आप इसके ऊपर ऐसे रखें और पैन को घुमा के हमने सारी तरफ इसको फैलाना है इस तरह से, बिल्कुल इस तरीके से। और थोड़ी देर वेट करना है, इसको पकने देना है अबाउट 1 or 2 मिनट और यूं हिला के देखते हैं। मतलब है कि ये पक गया, अब इसको टर्न ओवर कर सकते हैं। इस तरह से टर्न ओवर कर दें और इस तरह से लाइट गोल्डन नाइस कलर आपने देना है दोनों साइड से। ये सारे पैनकेक तैयार हैं, तकरीबन 5 पैनकेक इससे तैयार हुए हैं जितना मैंने बनाया था मिक्सचर। और आप चाहें तो आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं, जैम के साथ सर्व करें। मैं इसको 2 टाइप की चीज़ें इसमें डाल रही हूँ, एक में हनी डाल रही हूँ और इसको रोल कर रही हूँ सेपरेट करके हनी को। इस तरह से इस तरीके से इसको आप रोल कर लें और दूसरे में मैं ये गैलेक्सी का सेपरेट, चॉकलेट सेपरेट जो भी आपके पास कैबरी गैलेक्सी जो उनसे भी हो उसको सेपरेट करके आप ऐसे रोल बना लें और शुगर इसके ऊपर सेपरेट करें। होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।